दोस्तों आपने तो साउथ कोरिया का नाम सुना ही होगा। यहाँ पर साउथ कोरिया ने फर्स्ट बाजी मार लिया है 5G सर्विस के मामले में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 5G सर्विस लॉन्च कर दिया गया है साउथ कोरिया के अंदर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साउथ कोरिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च 5G सर्विस। और दोस्तों यहाँ पर सैमसंग ने भी अपना 5G स्मार्टफोन है वो लॉन्च कर दिया है वहाँ साउथ कोरिया के अंदर, सैमसंग गैलेक्सी S10 जो बहुत ही कमाल का है। दोस्तों देखेंगे 5G स्मार्टफोन तो बहुत ही कमाल का लगता है। और दोस्तों जो आप 4G आज हम यूज कर रहे हैं उससे 20 गुना कहें बहुत ज़्यादा पावरफुल है और स्पीड देने के मामले में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंडिया भी पीछे रहने वाला नहीं है। दोस्तों अभी तक साउथ कोरिया सबसे पहला देश बन गया है जो आपको 5G स्मार्टफोन और 5G सर्विस यहाँ पर सबसे पहले साउथ कोरिया में आया है। लेकिन दोस्तों हम उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि साउथ कोरिया में लॉन्च हुआ या नहीं लॉन्च हुआ है, क्योंकि बहुत लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। दोस्तों देखते हैं, BBC का न्यूज यहाँ पर लिखा है साउथ कोरिया बिकम्स 5G फर्स्ट स्मार्टफोन। ठीक है, दिख सकता है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह BBC की न्यूज में बताया गया है। दोस्तों यहाँ पर कमर्शियली बता दिया है कि 5G सर्विस साउथ कोरिया के अंदर आ गया है, तो सोच सकते हैं कितना मजेदार होने वाला है। दोस्तों यहाँ बहुत लोग ये पूछेंगे कि यहाँ पर इंडिया में कब 5G सर्विस लॉन्च होगा, जियो 5G कब आएगा, जियो 5G फोन कब आएगा। दोस्तों मैं आपको वही बताने वाला हूँ पूरा डिटेल से, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आप साथ साथ नहीं चलेंगे, साथ साथ नहीं देखेंगे वीडियो को, तब नहीं जान पाएंगे कि आपको 5G सर्विस कब इंडिया में मिलने वाला है और साउथ कोरिया में क्या क्या होने वाला है बहुत ज़्यादा ही। और दोस्तों इसके बारे में पूरा थोड़ा फ्यूचर बताने वाला हूँ कि 5G सर्विस आपको क्या अपडेटेड मिलने वाला है इंडिया के अंदर, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए सिर्फ वीडियो लाता रहता हूं, और साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिल जाए और हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपसे पता है, यहाँ साउथ कोरिया के अंदर 5G सर्विस को लॉन्च कर दिया गया, कमर्शियली लॉन्च कर दिया गया, यानी हर व्यक्ति हर पर्सन जो साउथ कोरिया में रहता है वो 5G सर्विस का मजा उठा सकता है। दोस्तों मैं आपको पहले समझा दूँ 5G सर्विस है क्या। दोस्तों 5G का मतलब है 5th generation, यानी जो 5वीं पीढ़ी का जो नेट है उसका स्पीड बढ़ गया है। यानी दोस्तों जो 4G सर्विस चल रहा था साउथ कोरिया के अंदर उससे जो स्पीड है 20 गुना ज़्यादा मिलेगा, और जो रियलिटी है दोस्तों वर्चुअल रियलिटी उसको एकदम लगेगा कि आपको रियल में किसी चीज़ को देख रहे हैं। 5G सर्विस के अंदर यदि आप जो वर्चुअल होता है VR ग्लासेस होते हैं यदि यूज करेंगे 5G सर्विस के अंदर, तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट होने वाला है। तो जरूरी से देखेगा यूज करके, और साउथ कोरिया में देखना कि कितना मज़ा वहाँ का जो सर्वे होता है उसमें कितना 5G सर्विस काम करता है या नहीं करता है। लेकिन दोस्तों हम बात करते हैं कि इंडिया में 5G सर्विस कब लॉन्च होगा। दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं कि रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि आपको जियो जो 5G सर्विस बहुत जल्द नेक्स्ट ईयर 2020 में लाने वाला है, आपको जुलाई तक 2020 के यहाँ पर 5G सर्विस मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले कई और कंट्री में भी सर्विस जो 5G सर्विस है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये है पक्का है कि आपको जियो सबसे पहले 5G सर्विस लाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि भाई जियो का जो 4G स्पीड है वो तो बहुत ही कचड़ा चलता है, बहुत ही कम स्पीड देता है, तो 5G क्या गारंटी का स्पीड आएगा। क्यों दोस्तों यहाँ पर जियो का कहना है कि जियो का जो रूरल एरिया है और जो अर्बन एरिया दोनों बहुत डिफरेंट है, क्योंकि कंजेस्टेड एरिया होता है और एकदम साफ सुथरा एरिया होता है, वही कारण से दोस्तों यहाँ जियो बहुत ज़्यादा स्पीड कम देता है। लेकिन दोस्तों आप गाँव देहात में चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो जियो का स्पीड मिलेगा बहुत ही कमाल का मिलेगा, लेकिन और जो बाकी टेलीकॉम कंपनी है उनका बहुत कचड़ा आता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एयरटेल, जियो और आइडिया तीनों सिम का यूज करता हूँ। दोस्तों रूरल एरिया में जाऊँ तो जब जियो काम करता है, अर्बन एरिया में एयरटेल आइडिया अच्छा काम करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो कहें ट्राई के मान, तो यहाँ पर जियो 5G सर्विस सबसे पहले इंडिया में लाने वाला है और जियो का जो सर्विस होता है तो बहुत ही कमाल करने वाला है, क्योंकि जियो जो है अपडेटेड, जो उसका टावर से नेटवर्क से वो अपडेटेड है, तो जल्द ही आपको 5G सर्विस आने वाला है। और दोस्तों बहुत जल्द आपको 5G स्मार्टफोन जियो की तरफ से भी आने वाला है, उसके बाद दोस्तों बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन आएगा जियो की तरफ से, जो आप देखते रहिए। दोस्तों इसके बारे में आपका कोई भी रिव्यू हो, कोई भी ओपिनियन है कि आपको क्या होना चाहिए 5G सर्विस में, क्या सुधार होना चाहिए या 4G सर्विस में क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, वो मुझे कमेंट में जरूर देगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरूर से बताइएगा। दोस्तों वीडियो से तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से कीजिएगा ताकि उन लोगों को पता चल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।